नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। कम से कम देखिए, एक खेसारी आगे आया तो आज रवि भैया ने आगे आया ना, तो मैं यही चाहता हूँ कि बाकी भी जो लोग हैं उनका भी आँख खुल जाए थोड़ा सा। और अभी बाढ़ आ रही है, बाढ़ आई है तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी कम से कम 20-25 लाख रुपया भिजवाओ उन गरीब राहत के लिए। मैं भी भिजवाता हूँ तो आप भी भिजवाओ, सब हम एक मिलकर और एक फंड देते हैं उन गरीबों के लिए, जिन गरीबों ने हमें बनाया है, हमें चुना है। मैं रवि भैया को दिल से थैंक यू भैया कि आप आगे आए, कम से कम मुझे देखकर ही तो आगे आए, क्योंकि आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा था किसी को ऐसा करते हुए। आज 2-3 साल से सबको देख रहा हूँ कि मैं 2-3 साल से 4 साल से मैं भी एक्टिव हुआ हूँ। उस समय मेरे पास पैसा वैसा नहीं रहता था तो कैसे हो जाए एक्टिव, हमको कहने की बताइए। जब हम तो सवारी तब ढोएंगे जब हमारे पास गाड़ी होगी, जब गाड़ी नहीं होगी हम खुदे साइकिल से चलते थे तो कैसे ढोएंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं। और रवि भी बड़े सुलझे व्यक्ति हैं, वो तो हम लोग के आदर्श हैं, गार्जियन स्वरूप हैं। लेकिन आज सुन के मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने गरीब बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाया, ये बहुत सराहनीय है। मैं रवि भैया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अभी दिल्ली में मिला था, हमारे बड़े भैया विकास सिंह वीरप्पन जी के बेटे का जन्मदिन था, उसी में रवि भैया, सपना चौधरी, मनोज भैया, मैं, सारे लोग आए थे। रवि भैया के विचार बड़े, और उन्होंने एक और काम किया, पहली बार भोजपुरी के बारे में संसद में उन्होंने आवाज़ उठाया। तो इसके लिए हम सारे भोजपुरियों को गर्व महसूस होना चाहिए रवि भैया पे, कि उन्होंने कम से कम संसद में हमारे भोजपुरी के बारे में और हमारे भोजपुरी के लिए लड़ाई छेड़ी तो कम से कम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्होंने जब छेड़ा है तो मैं बीजेपी सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ उनकी जो बातें हैं वो जाया नहीं होनी चाहिए, वो कम से कम 8वीं अनुसूची में शामिल हो। सिर्फ उन्होंने बोला है, लेकिन अब बीजेपी ही कर सकती है इसको कि 8वीं अनुसूची में उसको ले जाकर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो अगर लेकर नहीं जाती है तो सरकार दोषी है, सरकार को बोलना पड़ेगा और भोजपुरी भाषा को भी समझना पड़ेगा कि आ एक रवि किशन जी ने, उन्होंने आवाज़ तो उठाई लेकिन अब ये काम रह गया है बीजेपी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो कि इस मुद्दे को 8वीं अनुसूची में शामिल करें। तो मैं अपील करता हूं कि हम भोजपुरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और पहली बार एक रवि भैया ने, मेरे महादेव ने एक बोला है संसद भवन में, तो मैं उनके बातों को समर्थन करता हूं और मैं पूरे भोजपुरी समाज की तरफ से समर्थन करता हूं रवि भैया आपका। और आज आपने जो काम किया है उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू कि आज आप गरीब बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाएं, ये खुशी आप देखिएगा बड़ी अच्छी होती है भैया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.